पहली चोरी का कोई सुराग नहीं, चोरों ने दूसरी चोरी को दिया अंजाम। खबर शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जौराई से है। ग्राम जौराई में पहली लाखों रुपए व जेवरात की चोरी का कोई सुराग नहीं लगा, चोरों ने दूसरी चोरी को दिया अंजाम। पुलिस प्रशासन मौन सूत्रों के अनुसार मिली खास जानकारी में जब से बैराड़ थाना क्षेत्र में स्मैक की मेहरबानी धड़ल्ले से खुलेआम बरस रही है, जब से चोरियों में एक बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। ग्राम जौराई में आज एक बार फिर से अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया और शीतल प्रसाद धाकड़ के घर के सामने रखी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल व पुरुषोत्तम धाकड़ की नींद लगते ही बिस्तर से मोबाइल के साथ 600 रुपए लेकर अज्ञात चोर हुए फरार। और 3 से 4 बाइकों से पेट्रोल की चोरी, 22 लीटर पेट्रोल लगभग 24 रुपए की बताई जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि बैराड़ थाना क्षेत्र में स्मैक जैसे नशा पत्ते के चलते दिन प्रतिदिन चोरियों का सिलसिला लगातार जारी है। आखिर इन अज्ञात बदमाशों को शासन और प्रशासन का खुला संरक्षण प्राप्त है। चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, अपनी चरम ऊंचाई पर आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। बैराड़ थाना पुलिस की आंखों पर बंधी पट्टी और मौन इससे स्पष्ट होता है कि पुलिस प्रशासन इन चोरियों में लिप्त तो नहीं है। आखिर पुलिस मौन क्यों है? आगे देखना ये होगा कि प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम उठाकर कोई कार्यवाही की जाती है या फिर नहीं। इसी तरह गरीब आम जनता लुटती रहेगी और बेखौफ होकर ताले चटकाते रहेंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले हैं? जौराई के। क्या मामला है? आपने ताले में फूट क्यों कराई आज? हमारी रात के 1-2 में गाड़ी चोरी हो चुकी है जौराई से, और हम यहाँ पे ताले पर रिपोर्ट लगाने आए थे, उन्हें लिख के धर लिया अभी वो लाने की। अच्छा, क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? देख, ये बोल रहा है कि 3-4 बजे के आस पास हम तुम्हारी वो लाने कर दे। और क्या क्या चोरी हुआ है? और ये बार पड़ोसी का वो मोबाइल चोरी में गया है, उसके बाद पैसे डले हैं। और पहले 15 दिन पहले हुई थी चोरी, इसलिए पुलिस वाले ने उसने कुछ नहीं किया अभी। अब 15 दिन के अंदर फिर हो चुकी है चोरी, 4 तारे पहले टूटी। अब दो आवाज है ये चोर करना, दूसरी घटना है साड़ी की चोरी। मुख्य कारण क्या है? इसमें एक नशेबाजी चल रही है, तब तो चोरी 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 चल रही है। हाँ, जैसे हमारी चोरी हो चुकी है रात के 1-2 बजे पर, और कोई हम थाने पे आया तो कोई पुलिस सुनवाई नहीं करी हमारी बिल्कुल। और यहाँ से कह देते हैं हम कर देंगे कार्रवाई के आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये सब प्रशासन ढीली है बिल्कुल, पुलिस प्रशासन। हम थाने पे आ जाते हैं और चले जाते हैं, कोई हमसे नौका दे रहा आश्वासन दे देते हैं तो हम आ जाएंगे, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। कारण तो स्मैक को माना जा रहा है क्योंकि बैराड़ तहसील क्षेत्र में धड़ल्ले से स्मैक का कारोबार हो रहा है, और हर जगह आपको जैसे डाकुरवा मंदिर पर, माता रोड पर और मंडी प्रांगण में, और तहसील के पीछे वाली गली में भी, और पावर हाउस के पास और शुक्रवार के पास स्मैक पीते हुए और बेचते हुए खुलेआम आप देख सकते हैं वहाँ पर। लेकिन अब प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई तो की नहीं जा रही, क्योंकि प्रशासन से जब इस विषय में बातचीत की जाती है तो प्रशासन में एक ही बात कहते हैं लोग कि हमें बता दो तो कहाँ पर बिक्री हो रही है इसमें की, तो हम कोई कार्रवाई करेंगे। अब इस विषय में आप अगर कह रहे हैं हमसे कि मुख्य कारण क्या, तो कारण सिर्फ पुलिस की और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर इसमें शंका उठ रही है, क्योंकि आज तक इसमें को लेकर भी कोई भी कार्रवाई पुलिस और प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। और धड़ल्ले से बैराड़ थाना क्षेत्र में, गोवर्धन थाना क्षेत्र में सबसे ज़्यादा स्मैक की बिक्री हो रही है, जिसमें गाजीगढ़ से बैराड़ क्षेत्र में स्मैक की सप्लाई हो रही है। गाजीगढ़ में स्मैक का कारोबार इतना चरम पर है कि आए दिनांक देख सकते हो आप, कुछ दिनों पहले भी जौराई में चोरी हुई थी, आज ही मोटरसाइकिल और मोबाइल वोबाइल चोरी हुए हैं वहाँ पर। इसका मुख्य कारण सिर्फ स्मैक को ही माना जा रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।